शुभमन गिल मौजूदा समय के शायद सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग युवा बल्लेबाज। करियर मोटा मोटा 2-4 साल का ही है, पर किसी ने उन्हें प्रिंस बना दिया और कोई मानने लगा कि गावस्कर, सचिन और कोहली की लीग वाला अगला बल्लेबाज यही खिलाड़ी है। लेकिन गिल लोगों की हाई एक्सपेक्टेशंस को इतनी जल्दी इस कदर पटक देंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। 2023 में वनडे क्रिकेट की बात करें तो गिल से ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाए। गिल को ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि खुद ही कह बैठे, टेस्ट टीम में नंबर 3 पर मैं ही खेलूंगा। सिलेक्टर्स को भी चेतेश्वर पुजारा को सरकाने के लिए एक बल्लेबाज चाहिए था, तो गिल ही सही। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट बुरी तरह पिट गया। वाइड बॉल में हिट रहने वाले गिल टेस्ट टीम में अब फिट भी नहीं हो पा रहे हैं, और शायद इसी के लिए खेल का इसे सबसे टफ फॉर्मेट कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट की पहली पारी में गिल 2 और दूसरी पारी में 26 रन बनाकर चलते बने। टेस्ट में गिल ने जो भी थोड़ा बहुत नाम कमाया है वो घरेलू मैचों में ही कमाया है, यानी सिर्फ भारत में खेलते हुए, और 3 नंबर पर तो हाल और भी खराब है। ये बात मैं नहीं कह रहा, गिल के आंकड़े ही इसकी गवाही दे रहे हैं। नंबर 3 पर खेलते हुए गिल की पिछली 5 पारियां देखें तो एक भी बार वो 30 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाए हैं। टेस्ट में गिल का औसत सिर्फ 31 का है, वहीं गिल जब वनडे में आते हैं तो उनका एवरेज 61 का हो जाता है। वनडे में शतक 6 हैं तो टेस्ट में सिर्फ 2, और सिलेक्टर्स ने जिम्मेदारी दे दी पुजारा को रिप्लेस करने की। कैसे हो पाएगा भैया? पहले टेस्ट में जब भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक आ जा रहे थे तो जिस खिलाड़ी की सबसे ज़्यादा याद आई वही पुजारा थे। भले ही पुजारा गिल की तरह तेज रन नहीं बना पाते, पर वो कम से कम जम कर खड़े रहते हैं, विकेट तो नहीं ही फेंकते। ऐसे में अगर गिल को लगातार इसी नंबर पर खिलाया जाता रहा तो उनका क्रैश करियर तो कुछ ही दिनों में घुस जाएगा। गिल बतौर ओपनर ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, क्यों ही उन्हें अगला कोहली बनाए जाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हर खिलाड़ी का खेलने का अपना टाइप होता है। पुजारा गिल नहीं हो सकते और गिल भी पुजारा नहीं बन सकते, लेकिन ये बात अब तक टीम मैनेजमेंट के समझ में नहीं आई है। लेकिन ये बात जब तक टीम मैनेजमेंट की समझ में आएगी, नुकसान बड़ा हो चुका होगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम दीपेश है, तब तक के लिए शुक्रिया।